हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डार्क रिएक्शन के जो दूसरे फॉर्म हैं उनके बारे में बात करेंगे। कल C3 साइकिल को कंप्लीट किया था, डार्क रिएक्शन का एक पहला टाइप जो था, जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है। उस C3 साइकिल के अंदर अपन ने देखा था कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने में 18 ATP और 12 NADPH2 खर्च हुए थे, यानी कि वी कंज्यूम द 18 ATP एंड 12 NADPH2। वी नो दैट 1 NADPH2 इज इक्वल टू 3 ATP, सो 12 NADPH2 विल बी इक्वल टू 36 ATP। देन टोटल ATP के आधार पे अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने में C3 साइकिल में कितनी ATP खर्च हो रही है, तो 36 प्लस 18 यानी कि दोनों का अगर अपन ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 54 ATP। ठीक है, और अगर वो ऑप्शन में अपने को खुला हुआ दे रहा है तो 18 ATP प्लस 12 NADPH2। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आज अपन डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के जो फर्दर दूसरे रूप है उनके बारे में, और उसमें अपन ले रहे हैं C4 साइकिल। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि 1950 यानी कि 1950 तक लोगों का ये मानना था कि C3 साइकिल ही डार्क रिएक्शन का अकेला एक रूप है, या अपन ये कह सकते हैं कि CO2 फिक्सेशन का जो रूप है वो C3 साइकिल है, यानी कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनता है डार्क रिएक्शन में, 3 कार्बन का ही। लेकिन 1957 में कॉर्टसैक ने बताया शुगर केन के संदर्भ में कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है शुगर केन के अंदर डार्क रिएक्शन का, वो 3 कार्बन का न बनकर के 4 कार्बन का बनता है, यानी कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ठीक है ना, कॉर्टसैक ने ये डिस्कवर किया कि ऑन द प्लेस ऑफ 3 कार्बन, जैसे अपन ने C3 साइकिल में देखा था पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो शुगर केन के अंदर उन्होंने देखा कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 कार्बन वाला न बनकर के कितने कार्बन वाला बनता है, 4 कार्बन वाला। फिर इस बात को सपोर्ट किया 1960 के अंदर सेम कंडीशन कॉर्टिकोव जो थे उनको मिली, किसके अंदर बेटा, मेज की लीफ के अंदर उन्होंने भी पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला यानी कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड देखा। देन इन 1966 टू साइंटिस्ट हैच एंड स्लेक, इन्होंने C4 साइकिल की कंप्लीट स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनके अंदर डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट चार कार्बन वाला बनता है, दैट में भी ऑक्सलो एसिटिक एसिड और इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मैलिक एसिड जो भी 4 कार्बन का है, और इट कैन ट्रांसफॉर्म इन द एसपार्टिक एसिड यानी कि एसपार्टेट जो एमिनेशन यानी ट्रांस एमिनेशन करें किसका, ऑक्सलो एसिटिक एसिड का, अमीनो ग्रुप इसके साथ जोड़ दें तो क्या बनता है, एसपार्टिक एसिड जो एक अमीनो एसिड है वो भी 4 कार्बन का। ठीक है, तो इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन्होंने कंप्लीट C4 साइकिल जो थी उसको डिफाइन किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और इसकी डिस्कवरी की। तो जो C4 साइकिल है फिर वो इनके नाम से जाने जाने लग गई, हैच एंड स्लेक साइकिल। तो C4 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हैच एंड स्लेक साइकिल। ठीक है, लगभग 900 स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर C4 साइकिल रिपोर्ट की गई है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, 900 स्पीसीज इस प्रकार के, जिनमें से 300 डाइकोट स्पीसीज हैं और 600 प्लस
मोनोकोट स्पीसीज है, जिनके अंदर आपको क्या मिलेगी ऑन द प्लेस ऑफ सी थ्री साइकिल डार्क रिएक्शन की कौन सी फॉर्म मिलेगी, सी फोर साइकिल। ठीक है, मोनोकोट्स के लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि देर आर 17 फैमिली, मोनोकोट्स की 17 फैमिली ऐसी हैं जिनमें आपको सी फोर प्लांट्स मिल जाएंगे, यानी कि ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे जिनके अंदर क्या मिलेगा आपको, सी फोर साइकिल देखने को मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं, जैसे शुगर केन के अंदर आपको ये मिलेगा, मेज के अंदर ये मिलेगा, साइप्रस जो है उसके अंदर आपको ये मिलेगा। आप वीट का अगर एग्जाम्पल हो तो वो ध्यान रखना कि उसके अंदर सी फोर साइकिल नहीं होती है, वो आपको नहीं करना है। ठीक है ना, साइप्रस कर दीजिए, मेज मिल जाएगा, शुगर केन मिल जाएगा। ठीक है ना, इनको आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, सोरगम को ले सकते हैं। ठीक है, डाइकोट्स के अंदर अमेरेंथस को आप ले सकते हैं, चिनोपोडियम को ले सकते हैं। ठीक है ना, यूफोर्बिया को ले सकते हैं। ठीक है, या फैमिलीज के अंदर कंपोजिटी फैमिली के अंदर कुछ प्लांट्स आपको मिलेंगे, जो सनफ्लावर फैमिली है ना, एस्ट्रेसी भी बोलते हैं उसको, उसमें आपको कुछ प्लांट्स मिलेंगे जिनके अंदर ये आपको साइकिल देखने को मिलेगी। एट्रीप्लेक्स के अंदर आपको सी फोर साइकिल देखने को मिलेगी। पोर्चुलेसी फैमिली जो है उसके अंदर, पोर्चुलेसी ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सी फोर साइकिल, यानी कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन का कितने कार्बन वाला, चार कार्बन वाला मिलेगा। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, या अपन प्लांट्स तो नहीं कहेंगे, कुछ जीनस यानी कि जेनेरा ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपको एक ही जेनेरा की अक्स स्पीसीज के अंदर सी थ्री साइकिल मिलेगी और उसी जेनेरा की दूसरी स्पीसीज के अंदर आपको क्या मिलेगी, सी फोर साइकिल। जैसे एक जेनेरा है एट्रीप्लेक्स, एट्रीप्लेक्स के अंदर आपको एट्रीप्लेक्स के अगर अपन अलग अलग स्पीसीज देखें, ठीक है ना, तो जैसे एक तरफ मैं लिख रहा हूं एट्रीप्लेक्स पेटुला और एक तरफ लिख रहा हूं मैं एट्रीप्लेक्स रोजिया, तो बेटा ये जेनेरा है, जीनस है ये, और ये स्पीसीज है, तो जीनस एक ही है, स्पीसीज अलग अलग है। तो इस पेटुला के अंदर तो आपको सी थ्री साइकिल मिलेगी और इसके अंदर आपको सी फोर साइकिल मिलेगी। इज दिस क्लियर? तो ये अपन ये कह सकते हैं कि एक ब्रीफिंग है कि सी फोर साइकिल कहां मिलती है, किन प्लांट्स में मिलती है। अब देखिए इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं अपन। सी फोर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रेंज एनाटोमी। सी फोर साइकिल को हैच एंड सिलेक्ट साइकिल तो कहते ही कहते हैं, इसके साथ साथ ये क्या कहलाती है बेटा, क्रेंज एनाटोमी, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वृत्त, माला। ठीक है ना, मतलब क्या है इसका देखिए, जिन प्लांट्स के अंदर सी फोर साइकिल पाई जा रही है उनके अंदर जो सी फोर साइकिल है या डार्क रिएक्शन है वो कंप्लीटली लीफ मेजोफिल सेल में कंप्लीट नहीं होती है। लीफ मेजोफिल सेल के साथ साथ बंडल सीथ सेल में भी ये साइकिल चलेगी, यानी कि ये साइकिल जो है डार्क रिएक्शन है वो दो स्पॉट पे या दो क्लोरोप्लास्ट में होती है। एक कौन से क्लोरोप्लास्ट में, लीफ मेजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, और दूसरा किसमें, बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। आप समझें क्या है, ठीक है ना। देखिए लीफ के अंदर अगर स्ट्रक्चरली अपन देखें तो ये लीफ मेजोफिल सेल है, अब लीफ के अंदर ये क्या जा रही है बीच में, ये वैस्कुलर सप्लाई। वैस्कुलर सप्लाई किसकी बनी होगी, दैट इज मेड अप ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है ना, उनकी बनी होगी। तो जाइलम और फ्लोएम से बने हुए जो वैस्कुलर बंडल हैं उनके बाहर की ओर यूं
वृत्त के शेप में यानी कि माला के शेप में, ये अंदर जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। बाहर की ओर ये क्या है, सीथ है। सीथ का मतलब आवरण है, किसके, वेस्कुलर बंडल्स के। और इस सीथ को अपन क्या बोलते हैं, बंडल सीथ। बंडल क्यों, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, बंडल सीथ। अब देखिए जो सी3 साइकिल अपन पढ़ करके आए हैं, वो सी3 साइकिल इस लीफ मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ही कंप्लीट हो जाती है। यानी कि पूरी की पूरी साइकिल सी3 साइकिल जो वो कहां पे कंप्लीट हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। या मैं ये कह दूं किसके क्लोरोप्लास्ट में, लीफ मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। सिंपली समझे कि पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस, चाहे वो लाइट रिएक्शन हो चाहे वो डार्क रिएक्शन हो, पूरा का पूरा कहां के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, लीफ मेसोफिल सेल के। कौन से प्लांट्स में, जिन प्लांट्स को आप सी3 प्लांट्स कह रहे हो। लेकिन जिन प्लांट्स को आप सी4 प्लांट्स कह रहे हो, उन प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शन का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहां पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ मेसोफिल सेल में। और डार्क रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कहां पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीथ सेल में, ठीक है ना, बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। यानी कि सी4 साइकिल दो स्पॉट पे कंप्लीट होगी, एक तो कहां के क्लोरोप्लास्ट में, लीफ मेसोफिल सेल के, और दूसरी कहां पे, बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। यानी कि सी4 प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ मेसोफिल सेल टोटली कैपेबल नहीं है पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो साइकिल जो है वो अधूरी यहां पे होती है। और उसका कंप्लीशन कहां पे होता है, बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। और ये बंडल सीथ जो है वो किसके रूप में, एक माला के रूप में, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, क्रेंज एनाटोमी। वृत्त, क्रेंज जर्मन वर्ड है, उसका मतलब क्या है, वृत्त। अब बात आती है कि इन दोनों जगह पे जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं या क्या कैपेसिटीज हैं जिसके कारण ये पूरी की पूरी साइकिल को नहीं कर पा रहा और यहां पे वो साइकिल होती है। तो अगर दोनों जगह के क्लोरोप्लास्ट को अपन कंपेयर करें बेटा, तो अपन इसको यूं ले सकते हैं, देखिए ये सीपी क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ मेसोफिल सेल है, और इधर मैं ले रहा हूं क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीथ, बंडल सीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दोनों क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंसेस है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ मेसोफिल सेल जो होगा वो ग्रेनल होगा, ठीक है। यानी कि ग्रेनल का मतलब उसमें स्ट्रोमा पार्ट डेवलप नहीं होगा, और स्ट्रोमा पार्ट डेवलप नहीं है इसीलिए डार्क रिएक्शन नहीं हो पा रही है वहां पे। मैंने क्या कहा था, लाइट रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यहां पे ये कैसा होगा बेटा, एग्रेनल। यानी कि यहां पे ग्रेना पार्ट डेवलप नहीं हो करके मोस्ट डेवलप्ड पार्ट कौन सा होगा, स्ट्रोमा, जो किसके लिए रिक्वायर्ड है, डार्क रिएक्शन के लिए। क्यों, डार्क रिएक्शन कहां पर होती है, स्ट्रोमा में। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अपनी अपनी कैपेसिटी के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। फुल कैपेसिटी एक क्लोरोप्लास्ट में नहीं है, और फुल कैपेसिटी एक क्लोरोप्लास्ट यानी कि लीफ मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी फुल कैपेसिटी नहीं है लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों कंप्लीट करने की, और इसमें भी नहीं है, किसमें, बंडल सीथ सेल वाले में भी, ठीक है। तो ये ग्रेनल है और ये कैसा है, एग्रेनल। या मैं यूं कह दूं कि जो सीपी ऑफ लीफ मेसोफिल सेल है इन प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ मेसोफिल सेल है, उसमें आपको पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों मिलेंगे, इसलिए लाइट रिएक्शन कंप्लीट करने में ये कैपेबल है। जबकि ये एग्रेनल है तो इसका मतलब इसमें केवल और केवल क्या मिलेगा आपको, पीएस फर्स्ट, क्योंकि इसमें स्ट्रोमा तो है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोमा लेमिली के अंदर पीएस फर्स्ट पाया जाता है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता, पीएस सेकंड। तो इसका मतलब यहां पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार का क्या होगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन, जबकि यहां पे केवल कौन सा हो सकता है बेटा, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब अपन आते हैं किसके ऊपर, जो डार्क रिएक्शन है उसकी एबिलिटीज के ऊपर। तो जो क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ मेसोफिल सेल है उसके पास CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं है, RuBP नहीं है। कारण
अरे इसमें स्टोमा पार्ट विकसित नहीं है, ये कैसा है, ये ग्रेनल है, इसमें स्टोमा डेवलप नहीं है, जबकि यहां पे एग्रेनल है यानी कि इसमें स्टोमा विकसित है, तो इसमें आरयूबीपी होगा, राइबुलोज बाइफॉस्फेट CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए है। यानी कि दूसरे शब्दों में अपन यू भी कह सकते हैं कि यहां पर रुबिस्को की उपस्थिति नहीं है जो आरयूबीपी से किसको जोड़ रहा है, CO2 को, जबकि यहां पर रुबिस्को उपस्थित है। किसके केस में? इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीथ। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि ये सेल जो है वो क्या है, लीफ मेसोफिल सेल है और ये बंडल सीथ सेल है, या ये लीफ मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट है और ये बंडल सीथ सेल के? तो ध्यान रखना बेटा, इन प्लांट्स में जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है, उनकी लीफ मेसोफिल सेल में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और लेस इन नंबर होते हैं, संख्या में कम होते हैं, जबकि यहां पे क्लोरोप्लास्ट साइज में क्या होंगे, बड़े और मोर इन नंबर। ठीक है, और दोनों सेल को पहचानना है आपको, तो बंडल सीथ सेल जो हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते, पहली बात। दूसरा, बंडल सीथ सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, जबकि लीफ मेसोफिल सेल के बीच में आपको क्या मिलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस मिलेंगे, और इनकी वॉल भी कैसी होगी, पतली होगी। ये लीफ जो अभी अपन ने बनाई थी, ये बीच में से वेस्कुलर बंडल्स जा रहे हैं जिनके चारों ओर ये क्या है, सीथ। तो यहां तक क्लियर है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और इन्हीं डिफरेंसेस के कारण ये जो डार्क रिएक्शन है ये दो पार्ट्स में कंप्लीट हो रही है, एक तो कौन सी, लीफ मेसोफिल सेल में, और दूसरी किसके अंदर, बंडल सीथ सेल में। ठीक है, लीफ मेसोफिल सेल और बंडल सीथ सेल आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जुड़े हुए हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा वो स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स में सेल्स के बीच में कॉन्टेक्ट या रिलेशन स्टेब्लिश करती है मैटर के एक्सचेंज के लिए। इज दिस क्लियर? अब देखिए साइकिल को अपन देखते हैं। C4 साइकिल अभी अपन ने कहा कि दैट इज कंप्लीसिंग ऑन द टू साइड्स, दो जगह पे हो रही है। ठीक है ना, एक क्या बेटा, ये दिस इज लीफ मेसोफिल सेल, ये तो लीफ मेसोफिल सेल है, और ये है बंडल सीथ सेल। डायग्रामेटिकली आप देख रहे थे आउटर एटमोस्फियर के स्टोमेटा के थ्रू जो सेल कॉन्टेक्ट में है वो कौन सी है, लीफ मेसोफिल सेल। ये कौन सी होगी, लीफ मेसोफिल सेल, और ये कौन सी होगी, बंडल सीथ सेल। ठीक है, एंड दीज आर द प्लाज्मो डेस्मेटा थ्रू विच ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए एटमोस्फेरिक CO2 इंटर कर रही है किसके अंदर, बंडल्स सॉरी लीफ मेसोफिल सेल में। लीफ मेसोफिल सेल में CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट नहीं है, ये अपनी बात हुई थी। ठीक है ना, तो ऑप्शनली यहां पे वैकल्पिक रूप से अगर अपन देखें तो यहां पे उपस्थित होता है बेटा फॉस्फोइनोल पाइरेट एसिड, और ये फॉस्फोइनोल पाइरेट कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन। ठीक है, और ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा, और CO2 को एक्सेप्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, पैपकेज एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरेट कार्बोक्सिलेज। और इस एंजाइम की एक विशेषता है कि ये ड्यूल नेचर का नहीं है, ये कार्बोक्सिलेशन करता है केवल। रुबिस्को की परेशानी ये थी कि वो ड्यूल नेचर का है, इसलिए C3 प्लांट्स में मैंने एक घटना होना बताई थी जिसका नाम था फोटोरेस्पिरेशन, जिसमें मैंने कहा था कि CO2 की कंसंट्रेशन कम होने पर वो क्या करता है, O2 को जोड़ना शुरू कर देता है, किसके साथ, राइबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ। ये ऐसा नहीं करेगा पैपकेज, ये सिंगल नेचर है, यानी कि ये कार्बोक्सिलेशन का ही काम करता है, ये ऑक्सीजनेशन नहीं करता है। तो 3 कार्बन वाले पैप फॉस्फोइनोल पाइरेट के साथ CO2 जुड़ेगी, तो CO2 में कितना कार्बन है, 1, तो 3 और 1 कितने, 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, और वो 4 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। व्हाट विल फॉर्म दैट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एंड दैट इज ऑफ द 4 कार्बन प्रोडक्ट। क्लियर है?
अब ये जो ऑक्सलोएसिटिक एसिड है, इस ऑक्सलोएसिटिक एसिड के लिए परमेबिलिटी थोड़ी हार्ड है, ठीक है। तो ये ऑक्सलोएसिटिक एसिड यहां पे कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मैलेट में, यानी कि मैलिक एसिड में, ठीक है। मैलेट प्लस एच प्लस मैलेट के ऊपर, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह से किसी भी एसिड के आप इसको हटा दो तो फिर उसके सफिक्स नोमेनक्लेचर में अपन क्या जोड़ देते हैं, एट। जैसे ये मैलिक एसिड है तो अब मैलिक एसिड नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, मैलेट, जब आप इसके प्रोटोन को क्या कर देते हो, रिलीज कर देते हो, क्लियर है। तो देखिए ये मैलेट प्लस एच दोनों मिलकर के तो क्या है, मैलिक एसिड। और ये मैलेट कैसे बना है, यहां पे ध्यान से सुनना, NADPH2 खर्च होगा यहां पे, ऑक्सीडाइज हुआ किसके अंदर, NADP में, और ये प्रोटॉन्स जो है वो ऑक्सलोएसिटिक एसिड के साथ जुड़े, क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड आयनिक अवस्था में, यानी कि मैलेट और H प्लस आयन के रूप में कहां पे जाएगा, नाउ दिस विल इंटर इन द बंडल सीथ सेल, किसमें इंटर करेगा, बंडल सीथ सेल में, ये आ गया साहब, ठीक है। अब ये जो मैलिक एसिड बना है, इस मैलिक एसिड, देखिए यहां पे ऑक्सलोएसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, मैलेट में, मैलेट जो है वो कहां पे गया है, या मैलिक एसिड है वो कहां चला गया है, बंडल सीथ सेल में, और बंडल सीथ सेल के अंदर ये मैलेट मैलिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 रिलीज करेगा, प्लस डी हाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP यहां पे वापस, देखिए खर्च नहीं हो रही है क्योंकि यहां पे वापस बन गई है, किसमें रिडक्ट हो जाएगी, NADPH2 में, ठीक है। और दूसरी ओर क्या बनेगा, पाइरूविक एसिड, यानी कि इससे CO2 निकल गई, ठीक है, और NADP का वापस रिडक्शन हो गया किसमें, NADPH2 में, और क्या बन गया, पाइरूविक एसिड। ये पाइरूविक एसिड कहां आता है, वापस लीफ मेसोफिल सेल में, और लीफ मेसोफिल सेल के अंदर इस पाइरूविक एसिड को नेक्स्ट साइकिल के लिए किसमें कन्वर्ट किया जाता है, फॉस्फोइनोल पायरेट में, फॉस्फोइनोल पायरेट यानी फॉस्फेट देना पड़ेगा इसको, तो यहां पे ATP खर्च होगी और वो किसमें टूटेगी, AMP में, और उस AMP को भी ADP में कन्वर्ट करने के लिए एक ATP और खर्च होगी, यानी कि देखा जाए तो एक पायरुविक एसिड को एक फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी ATP खर्च हो रही है, एक और दो, ठीक है। इधर आपने क्या रिलीज किया बेटा, CO2, ये CO2 बंडल सीथ सेल के अंदर, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, राइबुलोज बाइफॉस्फेट उपस्थित है, रुबिस्को उपस्थित है, क्योंकि बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने कहा था कि उसका स्ट्रोमा क्या है, विकसित है, एग्रेनल है, वो ग्रेना पार्ट विकसित नहीं है, स्ट्रोमा पार्ट विकसित है, इसलिए ये CO2 जो है वो वहां पे किसमें इंटर कर जाएगी, C3 साइकिल में। C3 साइकिल का मतलब क्या है बेटा, अगर सिंपली समझ रहे हो तो C3 साइकिल के लिए रिक्वायर्ड सिस्टम वहां पे उपस्थित है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया था, तो उसमें मैंने कहा था क्या कि जो बंडल सीथ सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट एग्रेनल हैं, उनमें स्ट्रोमा पार्ट विकसित है, उनमें राइबुलोज बाइफॉस्फेट उपस्थित है और रुबिस्को उपस्थित है, और राइबुलोज बाइफॉस्फेट और रुबिस्को किसका पार्ट है, C3 साइकिल का, तो ये C3 साइकिल के अंदर ये CO2 इंटर कर जाएगी, यानी कि C4 प्लांट्स के अंदर CO2 को कितनी बार एक्सेप्ट किया गया है, दो बार, एक बार कहां पे, लीफ मेसोफिल सेल में, और दूसरी बार कहां पे, बंडल सीथ सेल में। लीफ मेसोफिल सेल के अंदर उस CO2 को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, PEP फॉस्फोइनोल पायरेट, और बंडल सीथ सेल के अंदर सेकेंड एक्सेप्टर कौन है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, इज दिस क्लियर। तो दोनों में, दोनों जगह पे इसको 2 times एक्सेप्टेंस है। अब अगली चीज देखिए, C3 साइकिल में थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि कितनी ATP खर्च हो रही है, 54, यस और नॉट, अरे 54, 18 ATP और 12 NADPH2, अभी अपन बात करके हैं, ये 54 ATP तो इस साइकिल में खर्च होंगी या नहीं होंगी, ये तो होनी होनी है क्योंकि C3 साइकिल हो रही है, लेकिन यहां पे देखिए
एक पायरुविक एसिड को एक फॉस्फोइनोल पायरेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या खर्च हो रही है, 2 ATP और खर्च हो रही है। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6, क्योंकि यहां पे 6 फॉस्फोइनोल पायरेट 6 CO2 को ग्रहण कर रहे हैं। तो 6 फॉस्फोइनोल पायरेट बनाने के लिए किससे, पायरुविक एसिड से, टोटल कितनी एटीपी खर्च होंगी, 6 × 2 यानी कि 12 ATP और, तो 54 तो ये खर्च हो रही है और 12 ये। अभी तो मैंने 1 के गुणा में दिखाया तब 2 बता रहा हूं, लेकिन रिएक्शन कितने के गुणा में होती है, 6 के, तो 1 में 2 ATP खर्च हो रही है एक्स्ट्रा यहां पे, तो 6 साइकिल में कितनी होंगी, 12, तो 12 ATP अगर यहां पे खर्च हो रही है एक्स्ट्रा, तो टोटल C4 साइकिल के अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने में कितनी ATP खर्च हो रही है, 66 ATP। या मैं इसको खोल करके लिखूं तो 12 तो ये और 18 यहां पे, यानी कि 30 ATP प्लस 12 क्या, NADPH2, ठीक है ना, ध्यान दें, जोर आ रहा आएगा, 18 ATP और 12 ATP कितने हो गए, 30, और यहां पे क्या है, 18 ATP प्लस 12 क्या थे, NADPH2, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 30 ATP प्लस 12 NADPH2। 12 NADPH2 कितने ATP के बराबर है, 1 NADPH2 3 के बराबर, तो 12 3 है 36, 30 और 36 कितने हो गए, 66। क्लियर है, बोलिए। अब देखिए यहां का फायदा क्या रहा, फायदा यह रहा कि फर्स्ट एक्सेप्टर CO2 का जो है वो कौन है, फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज PEP जो है ना, फॉस्फोइनोल पायरेट जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है पैपकेज, और ये पैपकेज जो है वो फर्टिलाइजेशन इफेक्ट शो नहीं करता, यानी कि ये ऑक्सीजन को जोड़ने का काम नहीं करता। हाँ, इस एंजाइम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम होने का तात्पर्य होता है कि ये लो टेम्परेचर सेंसिटिव है, हाई टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर पे C4 साइकिल चलती रहेगी, लेकिन C3 साइकिल के लिए मुश्किल हो सकती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उसकी रेट गिरना शुरू हो जाती है, C4 साइकिल चलती रहेगी, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर C4 साइकिल जो है वो डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये लो टेम्परेचर सेंसिटिव है, पहली बात। दूसरा, CO2 की लो कंसंट्रेशन पे भी चल पड़ेगी ये, C4 साइकिल CO2 की वातावरण में 8 से 10 ppm मात्रा है उसके ऊपर भी चल पड़ेगी, लेकिन C3 साइकिल के लिए 150 से 200 ppm पार्ट पर मिलियन एटमॉस्फेयर में सांद्रता होनी चाहिए, किसकी, CO2 की। तो इसका मतलब क्या है, ये लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे चलती है, हाई टेम्परेचर पे चलती है, कौन सी साइकिल, C4 साइकिल, और इसमें फोटोरेस्पिरेशन जैसी घटना नहीं होती, यानी कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि ये ऑक्सीजनेशन का काम नहीं करता, इसलिए ये साइकिल C3 साइकिल की तुलना में बेटर मानी गई है। एंड नाउ द टाइम साइंटिस्ट इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि C3 प्लांट्स को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, C4 में। रीजन समझ गए आप क्या, कि इस साइकिल के अंदर पहली विशेषता तो यह कि एटमॉस्फेयर में CO2 लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम नहीं करेगी, एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन 8 से 10 पार्ट पर मिलियन भी आ जाएगी तो भी यह साइकिल चलेगी। दूसरा, यह साइकिल जो है इसके अंदर यह जो एंजाइम है पैपकेज, ये फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कच्चा माल, क्योंकि कच्चा माल यही है जो आगे जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं करती, जबकि रूबिस्को जो था वो कर रहा था C3 साइकिल के अंदर। आप कहोगे सर यहां पे क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए ये पहला एक्सेप्टर नहीं है, आप ये कहोगे सर C3 साइकिल तो यहां पे भी है ही के, तो ये पहला एक्सेप्टर नहीं है, बंडल सीथ सेल है, उनकी वॉल थिक है, ठीक है ना, और वो वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होती है, क्लियर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बंडल सीथ सेल में क्या नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो वहां पे ऑक्सीजन को बाउंड करके रखा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन कभी भी रूबिस्को को यूज करने के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए यहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा किसके अंदर, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता तो यहां पे होता, और यहां पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे रूबिस्को की बजाय कौन सा एंजाइम है, पैपकेज। इज दिस क्लियर, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस, टेम्परेचर बाउंडेड नहीं है, हाई टेम्परेचर पे चलेगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे चलेगी, और इसमें फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल का फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, डिस्ट्रॉयमेंट नहीं होता, नुकसान नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये ज्यादा बेटर है। हां, ये जरूर मानेंगे कि C3 साइकिल के अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी ATP खर्च होती है, 54, इसमें कितनी हो रही है, 66, तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, लेकिन इसका आउटपुट क्या है, ज्यादा है, जबकि C3 साइकिल जिन प्लांट्स में पाई जाती है उनमें 25% लॉस होता है रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का ऑक्सीडेशन के कारण, इसमें 0 लॉस है, प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्टिविटी इसकी क्या है, ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच।